दोस्तों ये ऐसा समय है, इस समय आप जानते हैं कि भी 2 से 3 मंथ से अपने सभी बर्ड रेस्ट पर हैं, अपने बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। खास तौर पे हम बात करेंगे बजीज पैरेट की। तो आप जानते हैं कि मैंने बजीज पैरेट को रेस्ट दे दी है, बर्ड को रेस्ट दिए हुए 2 से 2.5 मंथ 3 मंथ हो चुके हैं। इस समय दोस्तों ज्यादातर भाई बर्ड से ब्रीडिंग नहीं ले रहे हैं, और जो भाई बर्ड से ब्रीडिंग ले रहे हैं उनके यहाँ पे बजीज पैरेट की ब्रीडिंग काफी खराब हुई है। तो इस समय दोस्तों बजीज पैरेट के जो बच्चे हैं वो मिलना काफी मुश्किल हो जाते हैं। इस समय खास तौर पे मैंने देखा है कि बजीज पैरेट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस समय दोस्तों काफी भाइयों ने मुझे कहा कि मोहित भाई क्या आप अपने बजीज पैरेट देंगे या हमें पट्टे प्रोवाइड करें। तो उन भाइयों को भी मैं कहना चाहूंगा कि इस समय मेरे पास भी बजीज पैरेट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है 1 से 2 मंथ के बाद आपको बजीज पैरेट के बच्चे मिलेंगे। दोस्तों बजीज पैरेट आप जानते हैं कि काफी ज्यादा ब्रीडिंग करते हैं, काफी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन बजीज पैरेट की जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा रहती है। तो डिमांड को देखते हुए जो बजीज पैरेट ब्रीडिंग करते हैं, जो ब्रीडिंग होती है उससे दोस्तों डिमांड पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों असल में जब ऑफ सीजन होता है, जब बजीज पैरेट ब्रीडिंग नहीं कर रहे होते, उस समय तो डिमांड काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है, क्योंकि उस समय जिन भाइयों को बजीज पैरेट चाहिए होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। और आप सभी जानते हैं कि मैंने सीजन से पहले सेटअप तैयार करने से पहले ही जो नॉर्मल कलर के बजीज पैरेट थे वो सभी मैंने हटा दिए, और जो जो कलर मुझे पसंद आए, जैसे व्हाइट वाइट है, रेनबो बजीज है, क्रीम पाइट है, या थोड़े बहुत ब्लू स्काई ब्लू कलर हैं वही मैंने रखे हैं, या कुछ दोस्तों सी ग्रीन कलर के बजीज पैरेट मैंने रखे हैं, या सी ग्रीन मिक्स जो क्रीम कलर होते हैं वो बजीज पैरेट मैंने रखे हैं। तो इस बार इनसे ब्रीडिंग लेंगे, और हमारी कोशिश है कि आगे और भी अच्छे कलर निकलवाए जाएं, इनसे काफी अच्छे अच्छे साइज में काफी अच्छे अच्छे कलरफुल बच्चे निकाले जाएं। तो वो दोस्तों आप जरूर देखें, जब भी हम ब्रीडिंग लेंगे, जब बच्चे निकलेंगे उस समय आप जरूर देखें ब्रीडिंग प्रोग्रेस। उस समय आप देखेंगे कि आपको काफी खूबसूरत कलर में बच्चे ही देखने को मिले अपनी कॉलोनी में। और इस बार हमारी कोशिश है कि ग्रीन बजीज हम नहीं रखेंगे अपने बजीज पैरेट की कॉलोनी में, और जो भी चुनिंदा कलर हैं, जो अच्छे कलर हैं वही रखने का इरादा है। इस समय दोस्तों मुझे काफी भाइयों के कॉल आए कि मोहित भाई हमें बजरी तोते चाहिए। इस समय सभी भाई कोशिश करते हैं बर्ड को लेने की, लेकिन इस समय अच्छे बर्ड नहीं मिलते हैं, या काफी मुश्किल से मिलते हैं, कुछ ही सेटअप पे अच्छे बर्ड मिल पाते हैं। तो ऐसे में जिन भाइयों को बर्ड चाहिए होते हैं उन सभी को मेरा यही कहना है, जब बर्ड की फर्स्ट ब्रीडिंग होती है और फर्स्ट ब्रीडिंग में जो निकलने वाले बच्चे होते हैं और जो लास्ट ब्रीडिंग में निकलने वाले बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ में भी काफी ज्यादा फर्क होता है। तो आप फर्स्ट ब्रीडिंग में जब भी जो भी बच्चे निकले जिन भी बर्ड के, वो आप जरूर लें, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो साइज है वो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑफ सीजन में बर्ड रेस्ट पर रहते हैं और उनकी वो सभी कमियां पूरी होती है जो कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान नहीं हो पाती है, या जो बर्ड रेगुलर ब्रीडिंग करते हैं उनमें कमियां आ जाती है वो सभी पूरी होती है। तो जब कमी सभी पूरी हो जाती है उसके बाद दोस्तों जब बर्ड ब्रीडिंग के लिए कोशिश करता है या जब बर्ड को मटकियां दी जाती है, तो आपने देखा होगा अपने सभी बर्ड टूट पड़ते हैं उन मटकियों पर कि भाई ये मटकी हमारी है और ये हमारी है। फिर वो काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग करते हैं और उस समय दोस्तों काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग होती है। आपने खास तौर पे देखा होगा फर्स्ट क्लच और सेकंड क्लच खास तौर पे बर्ड का काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छी एवरेज आती है उस समय। और उस समय के जो निकले हुए बर्ड होते हैं वो दोस्तों काफ़ी बार मैं भी अपने सेटअप के लिए रोकता हूँ। आप भी जानते हैं कि मेरे ज़्यादातर सेटअप खाली है क्योंकि ज़्यादातर बर्ड मैंने हटा दिए थे, और जब फर्स्ट ब्रीडिंग होगी उस समय मैं काफ़ी बर्ड रखूँगा अपने घर की ब्रीडिंग के लिए। अच्छे कलर अच्छी हेल्थ के बर्ड जो मुझे पसंद आएंगे उन्हें मैं रोकूंगा। दूसरा दोस्तों बर्ड की इस समय ज्यादा डिमांड होने का रीजन ये भी है, बर्ड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, परेशानी होती है, क्योंकि गर्मी का समय है और इस समय सभी भाई अपने बर्ड को काफी जो है अच्छी तरीके से रखते हैं, कूलर लगाते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये जो समय है ये अपने बर्ड के लिए काफ़ी परेशानी वाला समय होता है। इस समय अपने बर्ड काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं। तो इस समय आप सभी भाई अपने बर्ड का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखें, मैं भी अपने बर्ड का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।